हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केजे टेक्निकल हाउस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 22x45 900 स्क्वायर फीट है। इसमें तीन बेडरूम है, एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, डाइनिंग हॉल है ये, किचन है, ये मंदिर रखा है, टॉयलेट, बाथ, टॉयलेट बाथ, पार्किंग एरिया है, ये ड्राइंग है जो 22x45 है और चारों तरफ 3 फीट करके छोड़ा हुआ है। आप उस हिसाब से आप कर लीजिए। और अब ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग में आप देखिएगा, एक खिड़की रखा हो बेडरूम का, टॉयलेट कपास की खिड़की, ये बेडरूम, बेडरूम के पास ये मंदिर, मंदिर एरिया है, ये जो खिड़की है, एक खिड़की बेडरूम का खिड़की है, 4x3 फीट है, 3 फीट का रखा है, डाइनिंग का 5x4 फीट है, और बाथ टॉयलेट बाथरूम का रखा है 2x2 फीट है, ये बेडरूम का 4x3 फीट है, मंदिर का 2x2 फीट है, किचन का 3x2 फीट है, और इस पार्किंग एरिया के लिए 3x2 फीट है इसमें रखा हुआ है। और इसमें आप गेट, इस बेडरूम का गेट है, किचन का डोर, मंदिर ओपन एरिया है, ये 3 नंबर बेडरूम का यहाँ से यहाँ पे डोर है, टॉयलेट का डोर इधर है, और ये टॉयलेट जो है 3 नंबर बेडरूम का शेदाटा से, और ये टॉयलेट है ऑल ओवर के लिए रखा हुआ है। और इसमें 1 नंबर बेडरूम है, 1 नंबर बेडरूम के साइड का माप रखा है 10x2 इंच का है, और इस साइड का माप है 12x, और सेकंड बेडरूम 10x6 इंच का है, और इस साइड का है 12x है, और किचन है, किचन इस साइड का माप रखा है 8x का है, और इस साइड का है 9x का है, मंदिर 4x6 इंच का है, और इस साइड का माप है 9x6 फीट का है, डाइनिंग हॉल है,
इसका माप है 11 फीट 8 इंच का है, और डाइनिंग का इस साइड का माप है 13 फीट 9 इंच का है। ये तीसरा बेडरूम में इस साइड का माप है 10 फीट 2 इंच का है, और इस साइड का माप है 12 फीट का है। टॉयलेट और बाथ का इस साइड का माप है 5 फीट है, और इस साइड का माप है 5 फीट। और इस साइड का माप है 4 फीट है, और इस साइड का माप है 5 फीट। पार्किंग एरिया है, इस साइड का माप है 10 फीट 6 इंच का है, और इस साइड का माप रखा है 16 फीट का है। और इस बिल्डिंग का एंट्री पॉइंट इधर से आएगा, एंट्री पॉइंट इधर से है, और इस सीढ़ी का इधर से आएगा। ये इसमें कलम भी रखना है, आप देख सकते हैं इसमें कॉलम रहे, एक कॉलम, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में थोड़ा कलरिंग कर देते थोड़ा अच्छा होगा। और इस बिल्डिंग कॉस्ट करीबन 16 लाख करीबन आ सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है, महंगाई के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से रेट फिक्स्ड होगा। और आप ऐसा कर सकता है, पैसा बचाने के लिए आप 1-2 साल पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, उसी हिसाब से सामान जो सस्ता होता है उसी हिसाब से आप कुछ सामान रख सकता है, उसी हिसाब से आपका जैसा ईटा बजरी पत्थर वगैरह उसमें काफ़ी पैसा बचत आएगा आपका। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता सकता है दूसरा ड्राइंग चाहिए तो, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस 22x45 का दूसरा वीडियो है, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, टाटा।